एक सौ पार दिल्ली छाड़ो चौकीदार है बीजेपी हारना। एक सौ हजार पार दिल्ली छोड़ो चौकीदार है बीजेपी हारना। कमरहट्टी म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मेहदी इमाम की सरपरस्ती और वार्ड के नौजवानों की निगरानी में एक एहतजाजी रैली वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करती हुई नजर आई। इस एहतजाजी रैली का खास मकसद ये था कि मरकजी हुकूमत के जरिए मजदूरों के 100 दिन के बकाया मजदूरी जो बंद कर दी गई है उसकी अदायगी जल्द अज जल्द की जाए। साथ ही साथ मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों, पेट्रोल डीजल गैस और देगर मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर कदोगन लगाया जाए। इस एहतजाजी रैली की खास बात यह रही कि इस एहतजाजी रैली में नौजवानों के साथ साथ ख्वातीन की भी एक अच्छी खासी तादाद देखने को मिली जो मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज कर रही थी। ममता भाई के नेतृत्व में ये पार्टी चलती है। माँ माटी मानी बीएमसी सरकार ने सोचा, कब सोचा, जब तेल डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ने लगा, फिर तहासा बढ़ने लगा और भारत के लोग इसके वजह से खुदकुशी करने लगे, मरने लगे। ममता बनर्जी ने सोचा कि इसके खिलाफ आंदोलन करना ज़रूरी है, अगर आंदोलन आज अगर ना किया जाए तो हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तेल की वजह से, डीजल की वजह से, पेट्रोल की वजह से, गैस की वजह से, गैस सिलेंडर हमारे भारत के महिलाओं को लगता है मगर पे तो पुरुष करते हैं। दाम एक ही है, जो आज जो दाम बढ़ा, इस दाम बढ़ने के खिलाफ आज हमारे ममता बनर्जी के निर्देश पर पूरे बंगाल में गली गली जगह जगह इसके विरोध हो रहा है और विरोध चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक इसका दाम कम ना हो। सिर्फ अगर बात की जाए कि गरीबों की पार्टी बोलकर जो ये पार्टी आई थी मरकज़ की पार्टी, उसने 100 पर काम करने वाले लोगों का भी आज गला घोट दिया है, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, वो तो गरीबों की पार्टी नहीं है, उसने उसका स्लोगन था कि मैं जब जीतूँगा, बीजेपी का स्लोगन था कि मैं जब जीतूंगा तो पूरे हिंदुस्तान में हर घर में हर एक व्यक्ति को 15 लाख दी जाएगी। वो कहाँ गया, कहाँ मिला अभी तक? 7 साल हो गया। उसका स्लोगन था कि साल में 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, वो कहाँ गया? तो अमित शाह ने कहा था, एक जुमला था, चुनावी जुमला था। मैं बता दूं कि दो करोड़ नौकरी दी नहीं उसने, मगर साल में 2 करोड़ नौकरी लोगों को छीन लिया। वो 2 करोड़ नौकरी को हर साल छीनता चला गया। सरकार कह रही है कि तो कोरोना काल के वजह से छीना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत बात है। आप देखिए 2014 से पहले इकोनॉमिक क्या हालात था,
आज के बाजार में इकोनॉमिक का क्या हालात है, देश डूबता जा रहा है मगर बीजेपी का नींद नहीं टूट रही है। बीजेपी की सरकार कहना है कि दूसरे कंट्री के मुताबिक हम लोग अभी बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये गलत बोल रही है, वो अपने बचने के लिए बोल रही है, मगर जब तक उसकी नींद नहीं टूटेगा तब तक हम लोगों का आंदोलन ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में चलता रहेगा। दिल्ली में जब से नागपुरी दिल रखने वाली सरकार आई है, जो अमानी अंबानी की दलाल है सरकार, ये अरबपति को पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों पर इतना बोझ लाद दी है, डीजल और पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दी है कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। आम आदमी का रसोई इतना छोटा हो गया है कि लोग खाना बनाने के लिए भी अब इधर उधर देखने लगे हैं, जिसके वजह से ये माम आदमी मानुष की सरकार इसके खिलाफ रोड पर निकल आई है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी एहतजाज हम लोग जारी रखेंगे, ये महंगाई के खिलाफ, ये मोदी जाली हुकूमत के खिलाफ।